कि इस माटी की कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री राम बहादुर राय साहब, इस संस्था के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, साथियों, मैं विलम्ब से आया इसलिए नहीं कि मैं विलम्ब से आना चाह रहा था, कोई बहुत अनिवार्य बैठक थी जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। नहीं तो जब आसिफ जी मुझसे मिले थे कि वो माटी का विमोचन करना चाहते हैं, तो मैंने इन्हें सुझाव दिया था कि ये भी राम बहादुर राय साहब अपने नए नए ठिकाने में पहुंचे हैं, अभी उनके लिए बहुत सुंदर ठिकाना बनने वाला है। जो चीज़ बनने जा रही है वो दुनिया की श्रेष्ठतम नेशनल सेंटर फॉर आर्ट होगा। जब बन करके निकलेगा मैं सोचता हूँ दुनिया का बेस्ट चीज बन के निकलेगा, लेकिन अभी भी आपको आके अनुभव हो रहा होगा कि शायद आप पहले गए होंगे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति यहाँ पे हो रही होगी। और अगर आप घूम के देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर आप इसके सारे फ्लोर पे जाके देखेंगे जिस प्रकार की फैसिलिटी, चाहे हमारे राय साहब के कमरे को भी जाके देखेंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन जो बनने जा रहा है वो तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट नेशनल सेंटर फॉर आर्ट होगा। ये बन रहा मैम सेंट्रल विस्टा पर, जो ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी, उसके ऊपर आगे ऊपर काम चल रहा है। तो मैंने ही सुझाव दिया था कि आप, हमारी संसद का पहला दिन 29 तारीख को शुरू हो रहा है, उस दिन हमारे माननीय सांसदगण भी होंगे, मंत्रीगण भी होंगे, तो स्वतः आपको जब बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे वो आ जाएंगे। और यहाँ पे राम बहादुर राय साहब का जो संस्था है वहाँ पे सब लोग देखेंगे, और उनके आशीर्वाद से आज जो माटी की पुस्तक बनी है, इसमें माननीय राय साहब का पूरा संरक्षण भी है, उनका आशीर्वाद भी है। जब भी मैं माटी के कार्यक्रम में गया वहाँ पे हमेशा उनकी मौजूदगी, उनका ताकत, उनका वो हमेशा अनुभव होता रहा, और आज भी यहाँ पे आपके सामने है। मैं बधाई देना चाहूँगा उन तमाम सारे जो हमारे पूरब के, पूर्वांचल के कुछ उगते हुए सितारे हैं, कुछ उगे हुए सितारे हैं, इसमें 90 साल के त्रिपाठी जी भी हैं, 21 साल वाले भी हैं, और सबने अपने उस खेत खलिवान बाग बगीचे जो अभी हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, वो सारी चीज़ को अपनी भाषा में ऐसे ऐसे उन्होंने व्यक्त किया है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। कोई रस नहीं होगा जो उसमें नहीं मिलेगा। आप जरा ध्यान से देखिए, मुझे भी अनुभव हुआ, एक जो हमारे अपने जिले का, मैं मऊ का रहने वाला हूँ, तो मऊ और बलिया दोनों अगल बगल, मऊ और बलिया के जो कवि लोग थे, उस दिन उस कार्यक्रम में मैं था, ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा था, और सबको सुनने का भी मौका लगा, बहुत सारी चीज़ें जो भूल, क्योंकि बलिया में भी मेरा संबंध रहा, क्योंकि मेरे पिताजी करीब 11 साल बलिया में कार्यरत है, तो इसलिए बलिया में बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, तो इसलिए वो सब बहुत सारी बातें जो भूल जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं, उन सारी चीज़ों को भी अनुभव करने का मौका मिला। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो किताब आप लीजिए उसको पढ़िए जरूर, उसमें वो माटी की सोधी सोधी महक आपको मिलेगी, उसमें आपको अपने जो चना चमेना वाला आपको वो भी आपको स्वाद मिलेगा, जो आप बरसात और सावन के महीने में जो आप अपने हाथ कुछ श्रृंगार की जो चीजें अलग अलग इलाके में अलग अलग रूप में होती, उसका भी आपको आभास मिलेगा। तो बड़ी अच्छी किताब है, बहुत अच्छा एक प्रयास है, और इसके लिए मैं आसिफ आजमी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपनी पहचान तो अपनी संस्कृति है, अपना खान पान, अपना बोल चाल, अपना रहन सहन, अपनी व्यवस्था, अपनी परंपरा, उसी से तो आगे सब चलता है। जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतना भयानक त्रासदी के बावजूद भी हम चल रहे हैं, और हम दोबारा बहुत तेजी से, बहुत ताकत के साथ निकल कर के आ रहे हैं, वो ताकत का कारण है रिजिलियंस। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का जो रिजिलियंस है
उसको जिस तरीके से उभार करके जो ताकत दी, वो ताकत और वो रिजिलियंस आता हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से, हमारी अंदर की जो चीजें उसको निकाल करके। इसलिए हमको अपनी चीजों को न तो उससे दूर होना है। मैं तो अपने माटी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर साल अपने गांव जाके एक हफ्ता गुजारता हूँ, पिछले दो साल नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन जाके जिस गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में पला बढ़ा, उस गांव में एक हफ्ते रह करके वहाँ की माटी की सुगंध लेकर के हर साल आता हूँ, फिर दोबारी ताकत मिल जाती है फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ने की। तो मैं ये कहूँगा कि आपको उसका एक छोटा सा अनुभव इस किताब में मिलेगा, पढ़िएगा जरूर। मैं एक बार दोबारा आसिफ आदमी जी को, इसके संरक्षक श्री राम बहादुर राय साहब को और उन तमाम सारे कवियों को, मैंने कहा कि उगे हुए सितारे और उगते हुए सितारे, सब सारे के सारे, पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, उन सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद।